दोस्तों आज हम प्रश्नावली 8.1 का बताएंगे, जो कि प्रश्न संख्या है 3 का। प्रश्न कहा गया है कि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात करें। तो हम यहाँ एक फिगर बना लिए हैं जिसमें कहा गया है कि साइन ए बराबर 3/4। तो यहाँ लिखते हैं हम साइन ए बराबर 3/4, और हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, ठीक है, लंब बटे कर्ण। और इसमें भी जानते हैं, देखिए लंब बटा कर्ण यहाँ लिखने के बाद ये लंब हो गया 3 और कर्ण हो गया 4, तो लंब ये न है तो लंब 3 हो गया और कर्ण 4 हो गया। हमें निकालना क्या है, आधार का। तो आधार बराबर सूत्र होता है कर्ण माइनस कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, ठीक है। तो सूत्र लिख लेते हैं, सूत्र है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अब देखिए कर्ण का नाम क्या है, सूत्र है आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो आधार का नाम क्या है, बी सी, तो बी सी वर्ग बराबर ए सी वर्ग माइनस ए बी वर्ग, ठीक है। ए सी यहाँ पर 4 दिया है तो 4 वर्ग हो गया, और ए बी दिया है 3 वर्ग, ठीक है। बी सी वर्ग बराबर 16 - 9। अब देखिए बी सी वर्ग बराबर 16 और 9 कितना हो गया, 25, ठीक है। अब इसका स्क्वायर तोड़ना है, बी सी बराबर √25। अब इसका वर्ग करना है तो बी सी बराबर 5 हो गया, यानी वर्गमूल करने पर 5 आ गया। इसका मतलब आधार कितना निकल गया, 5, ठीक है। अब देखिए ये लंब कर्ण और आधार ये तीनों का मान ज्ञात हो गया है, तो ये जो पूछा गया है कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात करें, तो कॉस ए और टेन ए का निकालना है, ठीक है। कॉस ए बराबर और टेन ए बराबर, कॉस ए बराबर आधार बटा कर्ण और टेन ए बराबर लंब बटा आधार। तो ये सूत्र लिखने के बाद इस पर मान बैठा देंगे, कॉस ए बराबर आधार बटा कर्ण, ठीक है, और टेन ए बराबर लंब बटा आधार। अब इसमें देख कॉस ए बराबर आधार बटा कर्ण और टेन ए बराबर लंब बटा आधार सूत्र लिख दिए, तो कॉस आधार कितना है, 5, और कर्ण कितना है, 4। तो यहाँ हम लिख देंगे 5/4, ठीक है। यानी लंब का मान कितना निकला है, 3, और आधार का मान कितना निकला है, 5। तो इस तरह से 3/5 हो गया, ये दो आंसर हो गया, ठीक है।